नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है निशा किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं बैंगन की कलौजी अपने गांव के देसी तरीके से। बहुत लोगों ने बोला था कि आपके खेत में बैंगन है, उसी कलौजी गांव के देसी तरीके से बनाएं और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, जिस तरीके से आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो चलते हैं, पहले अपने खेत से वाइट वाले जो बैंगन हैं कलौजी वाले वो लेते हैं। तो बैंगन के पास देखिए आ गए हैं, जो व्हाइट वाला बैंगन है, इसी कलौजी जो है बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो बैंगन को तोड़ लेते हैं देखकर। देखिए रहा एक बड़ा सा, तो इस साइड आ गए हैं। देखिए ये रहा, इसको तोड़ लेते हैं। जो बड़े होंगे उन्हीं को देख के देखिए तोड़ेंगे कलौजी के लायक। इस बैंगन को हमारे गांव में डिस्को बैंगन भी बोलते हैं। इसकी सब्जी या कुछ भी बनाइए बहुत अच्छा बनता है। इसका टेस्ट भी जो बैंगन का बहुत अच्छा आता है। जितने बड़े बैंगन है देखिए देख देख के तोड़ लेते हैं। एक वहाँ नीचे है उसको भी तोड़ेंगे। एक देखिए रहा, इसको तोड़ लेते हैं। और इसमें देखिए फूल और बतिया काफ़ी सारा देखिए लिया है बैंगन में, अभी और फरेगा। और ठंड के मौसम में ये बैंगन काफ़ी अच्छे से फरते भी हैं। हमने ऐसे कलौजी के लिए काफ़ी सारा देखिए बैंगन तोड़ लिया, इसको लेके चलते हैं। तो डिस्को बैंगन तोड़ने के बाद देखिए हमारे खेत में एक और बैंगन लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये रहा, ये भी इसका भी कलौजी बनता है। तो ये नीला वाला बैंगन, ये देखिए कितना नरम बैंगन है, इसको भी तोड़ लेते हैं। इसका एक ही पेड़ देखिए लगा हुआ है और इसमें काफ़ी सारा देखिए फरा हुआ है, इसमें बतिया फूल बहुत ज़्यादा लिया है। दो इधर रहे, देखिए रहा, इसको भी तोड़ लेते हैं। देखिए तीन इसमें से बैगन निकल गया, ये भी कलौजी लायक है, इसको भी हम इसी में भर के बनाएंगे। तो लेके चलते हैं। तो बैगन को देखिए तोड़ने के बाद आ गए हैं खेत में। ऐसे भरवा बैगन जो है अपने तरीके से लोग अलग अलग मसालों के साथ बनाते हैं। तो आज मैं जिस तरीके से बनाऊँगा बिल्कुल गाँव के देसी तरीके से बनाऊँगी, जैसे हम अपने घर में बनाते हैं, खाते हैं, लोग खिलाते हैं, उसी तरीके से बनाएंगे। देखिए खेत में आए, यहाँ पर पहले हम ताज़ा धनिया लेंगे, धनियों को भी हम पीसेंगे जब हम बनाएंगे। तो धनिया ले लेते ताज़ा यहाँ खेत से। धनिया को देखिए जो हरे पत्ते, इसको ले लेते हैं जितना हमें ज़रूरत है। तो आज हम जो बैंगन का भरवा बनाने वाले हैं वो एकदम चटपटा बनेगा, इसके चलते हैं लहसुन के पत्ते भी ले लेते हैं खेत से। तो लहसुन सही देखिए पत्ते को भी ले लेते हैं, उखाड़ लेंगे खेत से। ये देखिए हमने लहसुन सहित लहसुन के ताज़े पत्तों को भी ले लिया है, इसको लेके चलते हैं। खेत से देखिए बैंगन को हमने सारे तोड़ लाए हैं। यहाँ पे जो लहसुन लिया, धनिया लिया है, लहसुन का पहले छिलका जो खराब है उसको हटा लेंगे, मिट्टी साफ कर लेंगे, इसलिए जो जड़ है ना काट के हटा देते हैं। हमारे गाँव में बैंगन का कलौजी, इसको भरवा दोनों बोला जाता है। लहसुन सहित लहसुन के पत्ते को देखिए हमने छाट लिया है। इधर धनिया को, सभी चीज़ों को पहले देखिए साफ पानी से हम धो लेते हैं। इधर देखिए बैंगन का जो डंठल है इसको हम नहीं हटाएंगे, बैंगन का डंठल सहित हम इसका जो कि भरवा बनाएंगे। देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और डंठल भी बहुत पसंद करते हैं, मेरा बच्चे खाते हैं। तो सब लोग देखिए सबको धो लेते हैं बैंगन को जो है साफ पानी से कई बार। इसके डंठल को देखिए अच्छे से मल मल के धो लेंगे साफ पानी से। और इसी तरीके से सारे बैंगन को हम धो लेते हैं। तो सभी चीज़ों को यहाँ पे देखिए हमने साफ पानी से कई बार धो लिया। देखिए डंठल से हमने बैंगन को धो लिया, इसका पानी जो कि सूख रहा है। इधर हमने लहसुन, धनिया और प्याज भी लिया है, प्याज भी हम डालेंगे इसके भरे हुए बैंगन के। और यहाँ पे देखिए चार हरी मिर्च लिया है, हमारे खेत के हरी मिर्च काफ़ी तीखे हैं, इसको भी हम डालेंगे इसमें भरे में। तो चलते पहले चूल्हे में ईंधन को जलाते हैं और कुछ खड़े मसाले जो साबुत होते हैं ना उसको भून लेते हैं। साबुत मसाले भूनने के लिए यहाँ पे देखिए चूल्हे में ईंधन को जलाते हैं। तो चूल्हे पे देखिए हमने कढ़ाई रख दिया है और बैंगन की कलौजी बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पे कुछ साबुत मसाले लिए हैं, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हमने 2 चम्मच देखिए सौंफ लिया है और 2 चम्मच जीरा लिया है और देखिए 1/2 चम्मच से भी कम हमने साबुत मेथी दाने लिए हैं और 1/2 कटोरी हमने साबुत धनिया लिया है और 1/2 चम्मच लिया हमने अजवाइन और 1/2 चम्मच से भी कम हमने लिया है मंगरेल। ये भी सब मसाले हम भून के जब कलौजी बनाते हैं ना तो गाँव का एकदम देसी टेस्ट आता है कलौजी में। इसको देखिए हम कढ़ाई में डाल देते हैं, कढ़ाई हमारा लाल हो गया है, खुशबू आने तक हम इस मसाले को भून लेंगे। धीमी आंच पर देखिए हमने मसालों को भून लिया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसको हम कढ़ाई को उतार लेते हैं। और थोड़ा ठंडा होने के बाद
मसाले को हम दरदरा से बट्टे पीसेंगे, आप चाहे तो इसे मिक्सर में पीस सकते हैं। तो पहले हम जो सूखा मसाला उसको पीसेंगे, उसके बाद फिर देखिए धनिया लहसुन और प्याज और हरी मिर्च को हम बाद में पीसेंगे। मसालों को देखिए यहाँ पे दरदरा हमने पीस लिया, इसको थाली में उठा लेते पहले सूखा मसाला। ये देखिए कितना बढ़िया, देखिए एकदम गांव का देसी मसाला से बट्टे पिसा हुआ है। और अब पीसेंगे यहाँ पे देखिए हमने लिया है हरी मिर्च, और यहाँ पे देखिए हमने लहसुन के ताजे पत्ते लहसुन सहित इसको पीसेंगे। आप चाहते हो यहाँ पे गांठ वाला भी लहसुन ले सकते हैं। और प्याज पीसेंगे, प्याज डाल देते हैं, दो हमने मीडियम साइज के प्याज लिए थे इसको पीसेंगे, और थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा धनिया इसे हम पीस के डालेंगे। इसके डालने से क्या होगा कि जो हमारा बैंगन का भरवा बनेगा, कलौजी बनेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैं इसी तरीके से अपने घर वालों को खिलाती हूँ बनाकर, बहुत टेस्टी लगता है। जो लहसुन और धनिया के पत्ते हैं इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। देखिए हमने इसको धो कर पहले ही सूखा लिया था, इसको सूखा ही पीसना है। इसको देखिए बिना पानी का इसको देखिए हम पीसेंगे। इधर मैंने सभी चीज़ों को देखिए पीस लिया है। अब इसको उसी वाले मसाले में उठा लेते हैं जो हमने पहले पीस के रखा हुआ था, ये रहा। सारे मसाले देखिए हमने पीस लिए, तो इसमें डालेंगे हम नमक, नमक थोड़ा हम चटकदार ही डालेंगे, तो नमक थोड़ा सा हम बढ़ा कर डाल रहे हैं क्योंकि जब भी कलौजी या भरवा बनाए बैगन का थोड़ा नमक तेज़ी रखे तो सही है। और अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अभी इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर, तो अमचूर पाउडर देखिए आधा चम्मच इसको डाल लेते हैं। अगर अमचूर पाउडर ना हो तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल, एक या डेढ़ चम्मच, देखिए एक चम्मच हम सरसों का तेल डाल दे रहे हैं। और आधा चम्मच डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ऐसे तो हरी मिर्च हमने काफ़ी सारा पीसा हुआ है, आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मसालों को देखिए अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो ये देखिए मसालों को हमने अच्छे तरीके से देखिए मिला लिया, और हमने थोड़ा टेस्ट किया, इसमें सब कुछ परफेक्ट एकदम मिला हुआ है। तो देखिए हमने जो बैगन धुला हुआ था इसका पानी देखिए एकदम सूख गया है। और ये देखिए डंठल सहित बैगन को हम भरेंगे अब। तो देखिए बीच से एक चीरा लगाते हैं, और चाकू से धीरे धीरे देखिए इसको हम पीस से इस तरीके से कट कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और अंदर से एक बार अच्छे से देखिए पहले चेक कर लेंगे कहीं ख़राब तो बैगन नहीं है। बैगन देखिए कितना सही है। और ये जो हमने बनाया है मसाला सब तैयार किया है, इसके अंदर देखिए दबा दबा के अच्छे से भरेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया से इसको दम अच्छे से उंगली से दबा दबा के देखिए अच्छे से मसाले हम भर दे रहे हैं। आप इस बैगन के कलौजी को या भरवे को पराठे के साथ खाइए, या फिर दो दिन रख कर भी खाएंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, इसमें पानी बिल्कुल नहीं पड़ा है। इसको अच्छे तरीके से भर दिया, इसको हम थाली में रखते जाएंगे। इसी तरीके से सारे बैगनों को हम भर लेते हैं। तो ये देखिए जो हमारा नीला वाला बैगन है इसको भी देखिए कट करेंगे हम, और डंठल से ही देखिए भरवा बैगन दिखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ये देखिए अंदर से देखिए बैगन कितना सही दिख रहा है, ख़राब नहीं है। इसमें भी देखिए मसाला भर देते हैं। ऐसे हमारे बच्चे थोड़ा सा भरवे में तीखा कम पसंद करते हैं, आप चाहे तो अचार का मसाला भी इसमें मिला सकते हैं। अब बिना अचार का मसाला मिलाए भी इस बैगन के भरवे को देसी तरीके से, गांव के देसी तरीके से बना सकते हैं, जैसे मैंने पीस कर सब बनाया, लहसुन की पत्तियां, धनिया की पत्तियां। तो ये देखिए मैं दम दबा के अच्छे से भर दिया है, इसको रखते हैं इधर। इसी तरीके से देखिए सारे बैगनों में हम मसाले भर लेंगे। ये देखिए हमने सारे बैगनों में मसाले अच्छे से दम दबा दबा के भर दिए हैं, और इतना देखिए हमारा जो कि मसाला बच गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, आलू वाले जो कलौजी बनाएंगे ना उसमें हम डाल के यूज कर लेंगे। बहुत बढ़िया मसाला जो कि है, ये मसाला ख़राब नहीं होगा। कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। तो तेल देखिए हम आधा कलछुल डाले हैं। सरसों का जो तेल हमने कढ़ाई में डाला था ना, अच्छे तरीके से देखिए गर्म हो गया है। देखिए करके देखिए बैगन को डालेंगे, इसको देखिए सीधा ही करके डालेंगे, अगर टेढ़ा कर देंगे तो जो मसाले ना वो निकल जाएंगे सारे। तो ऐसे करके डालते हैं। सारे बैगन डाल दिए हैं, इसको ढक देंगे थाली, इसको ढक देते हैं और धीमी आंच पर इसको पकाएंगे। थाली हटाते हैं और एक बार इसको चला दे रहे हैं। देखिए इसको ऊपर नीचे कर देंगे, जैसे जैसे बैगन जो जलने लगेगा। देखिए जो हमने गोल गोल आलू काटा है ना, इसको भी देखिए इसमें हम डाल देंगे। बैगन के जो मसाले ना इसी में जब मिल जाते हैं आलू के साथ तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। गोल आलू जो कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो बीच बीच में डाल दे रहे हैं आपको। हल्का से देखिए नमक डाल दे रहे ऊपर से, कि आलू में अच्छे से नमक डाल दे दे, और बैगन के ऊपर भी थोड़ा सा नमक डाल दे। इसको देखिए चला देंगे, और चला कर हम ना अच्छे से पका लेंगे। थाली को ढक कर इसको पका
निकालेंगे, बीच बीच में फैलाते रहेंगे। देखिए बैगन का कलर देखिए चेंज होने लगा है। तो बैगन की कलौजी को ढककर पकाए काफ़ी देर हो गया है, इसको चलाते हैं खाली हटाकर। ये देखिए बैगन हमारा काफ़ी ज़्यादा देखिए कलर चेंज हो गया है, अब ये पकने लगा है, कूलर कूलर देते हैं। और ये देखिए ये बैगन जो कि हो गया है अच्छे से, देखिए ये बहुत जल्दी बैगन हो जाता है। आराम से देखिए करें कि जो उसके मसाले वो बाहर ना निकले, ऊपर नीचे कर देते हैं। कलौजी को हमने धीमी आंच पर काफ़ी देर से पका लिया है और थाली हटाते हैं। और बैगन भी हमारा देखिए अब गलने लगा है, तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया देखिए हमारा कलौजी बना हुआ है, बहुत अच्छे इसमें मसालों की खुशबू भी आ रही है। आलू भी देखिए हमारा बढ़िया सा पक गया है, देखिए निकाल लेते हैं इसको। ये देखिए कितना बढ़िया देखिए दब जा रहा है, अच्छे से ये हो गया है। और मसाला भी देखिए इसमें से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकला है। तो सारे बैगन को और आलू को भी निकाल लेते हैं। बैगन का देखिए कलौजी बनकर तैयार हो गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। आलू के साथ हमने बनाया ना तो बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब मैं कलौजी अपने घर पर बनाती हूँ ना तो इसको सुबह शाम दो दिन रख कर लोग खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं दोस्तों। अगर इस तरीके से गांव के देसी तरीके से बनाएंगे बैगन का भरवा या कलौजी बनाएंगे तो ये खाने में बहुत ही चटपटा बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।